दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और गूगल एडसेंस सीरीज में आज तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, क्योंकि गूगल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, उसके एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि अगर आप खुद अपना ब्लॉग बार बार देखते हैं, चाहे मोबाइल से देखें या लैपटॉप से देखें, भले ही आप इनकॉग्निटो मोड से देखें दोस्तों, आईपी एड्रेस जो है वो ट्रैक होता है और आईपी एड्रेस की मदद से ये देखा जाता है, क्योंकि जितने भी एडसेंस पर जो ऐड लेकर आते हैं, आप जो देख सकते हैं जो ऐड आते हैं वो कोई ना कोई कंपनीज होती हैं और वो चाहती हैं कि गूगल अलग अलग वेबसाइट्स पे हमारे ऐड दिखाए और वो ऐड का कुछ अमाउंट वो पे करते हैं। तो जो इम्प्रेशंस आते हैं दोस्तों, वो इम्प्रेशंस एक्चुअल में करते क्या हैं, वो भी काउंट होते हैं और क्योंकि बिजनेस का पार्ट है तो गूगल बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है अपनी कंपनीज़ का और वो नहीं चाहेगा कि आप जो लोग क्रिएटर्स हैं वो खुद ही अपनी वेबसाइट को बार बार देखें या इम्प्रेशंस को ख़राब करें या फिर अपने जो आपकी वेबसाइट पर ऐड दिख रहे हैं उन ऐड पर खुद क्लिक करें इंटेंशनली। और क्लिक करने से होता क्या है कि बहुत कम टाइम में, या कुछ लोग प्रॉक्सी लगाकर अलग अलग देशों के आईपीस के अकॉर्डिंग, नेटवर्क के अकॉर्डिंग उस पर क्लिक करते रहते हैं, थोड़े बहुत समय के लिए अच्छा पैसा बना लेते हैं और पैसा बनाने के बाद जो है कुछ टाइम बाद वो ब्लॉग एक महीने के लिए और फिर हमेशा के लिए उसको बंद कर दिया जाता है गूगल के द्वारा। ऐसे में दोस्तों होता क्या है, अगर आपको बचाकर चलना है तो कुछ दिनों से गूगल ने यहाँ पर लिमिट लगाना शुरू कर दी है। इस तरीके से यहाँ पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा आता है कि आपके गूगल एडसेंस पर एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पर लिमिट लगा दी गई है गूगल के द्वारा, ये देखते हुए क्योंकि कुछ प्राइवेसी का वॉयलेशन हुआ है। और प्राइवेसी जब वॉयलेट होती है तो उसमें लिखा आता है कि कुछ इनवैलिड ट्रैफिक आ रहा है। वो इनवैलिड ट्रैफिक कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आप नहीं ला रहे हैं, कुछ आपके लोग हैं जो आपकी वेबसाइट को देखते हैं, या आप ये ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिकल्स के द्वारा। यहाँ पर जो एनालिटिक होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ ये जो विजिट आ रही है ये आपको दिख रही है, यहाँ लिखा हुआ है सूरत, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये डेस्कटॉप से देख रहे हैं और मैं यहाँ पे आपको नीचे लाकर दिखा देता हूँ। इन्होंने एक प्रोग्राम देखा है, देखिए ये पेज का नाम होगा, एक प्रोग्राम है, लीप ईयर का प्रोग्राम है, C++ लैंग्वेज में ये इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये पहली बार आए हैं, पेज व्यू आप देख सकते हैं, सेशन स्टार्ट किया गया है, यूज़र एंगेजमेंट है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट विजिट पर जीरो लिखा होता तो आपको ये पता चलता कि ये जो यूज़र है ये पहले भी आ चुके हैं और ये अगर ये बार बार आ रहे हैं दोस्तों तो गूगल इनको इनवैलिड ट्रैफिक समझेगा, चाहे ये अच्छे इंटेंशन से आए या बुरे इंटेंशन से आए, गूगल को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मल्टीपल लगातार कोई आ रहा है इस तरीके से, आपको एक और जगह देखने के लिए मिल जाएगा। मैं अगर आपको ब्लॉगर पर ले चलूँ और यहाँ पर स्टेट्स का ऑप्शन आता है, इस स्टेट्स के ऑप्शन पर यहाँ पर नीचे दिख रहा होता है कि किस आपके ब्लॉग को जो है किस किस ने कितनी बार पढ़ा है। यहाँ पर अगर आपको देखने को लगता है कि कोई ब्लॉग इतना रैंक नहीं कर रहा है और बार बार कोई उसको पढ़ रहा है तो उसको आप उठाकर जो है गूगल एडसेंस में आने के बाद आप उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। ऐसा करने के बाद दोस्तों मैंने, क्योंकि ये लिमिट मेरे उस पर लगी थी, मेरे स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे थे, 7 दिनों के बाद जब इम्प्रेशंस आना इनवैलिड तरीके से बंद हो गए तो गूगल ने उसको जो है हटा दिया और अब नॉर्मल इम्प्रेशंस आने लगे हैं, नॉर्मल ऐड आने लगे हैं। तो गूगल बहुत हद तक चाहता है कि सारा वातावरण जो है बहुत अच्छा बना रहे एडसेंस का और आप भी उससे पैसा कमा सकें या उनके जो इन्वेस्टर हैं उनका भी एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग अच्छे से हो सके, इसका जो है दोस्तों प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि ये जो इनवैलिड ट्रैफिक का हमें जो सिग्नल मिलता है, प्राइवेसी वॉयलेशन मिलता है, इससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, सिंपल से तरीके से इन चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि आप जितने वीडियोस अलग अलग प्रकार के देखेंगे आपको अलग अलग तरीके से घुमाया जाएगा, कोई भी आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग इतना नया है कि मेरे पास कोई एक्सेस में ट्रैफिक नहीं है और जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उसको शेयर करना मेरे लिए अभी आसान बन रहा है, ट्रैक करना आसान बन रहा है। तो दोस्तों मेरा नाम था विवेक भारद्वाज, थैंक यू।